अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज बुध का दिन है और हम आज आए हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। ग्रेटर इकबाल पार्क में हम देखेंगे मीनार ए पाकिस्तान, देयर हम देखेंगे शाही किला, हम देखेंगे फोर्ट, लाहौर फोर्ट देखेंगे, इकबाल का मज़ार देखेंगे। दिस इज़ इया इन्जॉइंग लाहौर। कल हमने इनको जू दिखाया, आज अब इनको ग्रेटर पार्क लेकर आए हैं। जी कैसा लग रहा है आपको? कितने दिनों बाद आई हैं आप ना इकबाल पार्क में? इकबाल पार्क में सर हम आए थे 2009 में आए थे। लाहौर फोर्ट दिखाएंगे इनको, शाही किला। शाही किला जो है वो देखने की चीज़ है लाहौर में, आप सब लोगों ने कई बार देखा होगा। हमारी गेस्ट जो हैं वो फर्स्ट टाइम देखेंगे आज, तो उनसे उनकी राय जानेंगे कि उनको लाहौर फोर्ट देख के कैसा लगा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। शाही किले में एंटर हो रहे हैं हम। ये सामने यहाँ गुरुद्वारा भी है और आगे जाके हम कोई बादब बा मुलाहिजा होशियार द क्वीन ऑफ हेलसिंकी ईजा वट इज अराइविंग। बादब बा मुलाहिजा होशियार द क्वीन ऑफ सादी टाउन सादिया बट बस कॉफी है, क्वींस आर ओके। जिसके परवानों में मुफलिस भी है जरदार भी है, संग मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम। मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी हैं, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी भी है। एक शहनशाह ने बनवा के हसी ताज महल हो गया यार मैं। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिये गदा देखा, कहीं का सालिये गदा देखा। यार को हमने जा बजा access to the mosque.
अब हम बादशाही मस्जिद में एंटर हो गए हैं और हमारे गाइड जो है वो हमें बादशाही मस्जिद के बारे में अपडेट करेंगे। मैग्निफिसेंट मॉस्क, लैंडमार्क ऑफ पाकिस्तान। Taj Mahal Agra towers are not in vertical position, so the clever Shirazi was really thoughtful guy. I mean, the genius of Shirazi you find in Taj Mahal, that all four towers of Taj Mahal, they are not in vertical position, but they deliberately tilted those towers 5 degrees outwards. So idea of the engineer was very exceptional. He would have thought, in case of any vibration of earthquake, if the tower would fall, they have to fall also. So I mean, even this tower, sir, Mujahid sahab and Bhat sahab and sisters, you're not from this angle. Just zoom your eyes, you clearly judge. Like they are inclining outside. Not too much, but merely for 5 minutes. Yeah. So if it, in case, if the vibration of earthquake, if they're going to fall, they will never come inside. They always go outside. Because they shouldn't kill the people, they shouldn't damage the main cupola. That was the whole precaution in the mind of, and how genius, how clever those people. Are you lost or something? How beautiful the sound is going everywhere. Hmm. Deep breath. Huh? It's too meditating. Yeah. It's more like a meditation. चलो उठ भाई। सारी आइस दे। नमाज पढ़ ली हमने जोहर की कसर और अब हम वापस जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की तरफ। शानदार मस्जिद है सर वैसे। हमारी भाभी जो है वो तो खो गई अजान की आवाज़ में, चूँकि वहाँ फिनलैंड में तो नहीं मिलता ऐसा साउंड और ऐसा वर्ल्ड। शी फील्स मेडिटेटिंग, शी फील्स अमेज्ड, क्योंकि अजान की आवाज़ और अजान के अल्फाज और अजान का जो सौत है, जो उसका साउंड है, वो है ही ऐसा कि हम सब उसमें खो जाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी जो फिनिश गेस्ट हैं वो पान खा रही है। पान, यू लाइक द पान? वेट, पहले टेस्ट तो करने दे।
like I'm putting soap in my mouth. Soap? Shampoo? Shampoo? Come on, don't insult. Don't insult my bun. Not bad. Now the taste is coming. But first it tastes like I'm putting some soap. So, because no, it's okay. It has mouth freshener, betel nut, the piece of leaf, edible leaf. It's a wonderful thing. It makes your mouth fresh. And it has some sweet in it as well, because it's a meetha paan. Paan has different shapes. Some eat tambaku or tobacco. Your paan is ladies paan. It's a ladies paan, meetha paan. Good now. Good. Thank you very much. Good.